आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दिया है और सीजीआई ने कहा है कि अब चुनावी बॉन्ड वैलिड नहीं होगा और यहां से कोई उसे एसबीआई को कह के इस पर रोक लगा दिया गया। दोस्तों क्या होता है चुनावी बॉन्ड और क्यों महत्वपूर्ण है ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए और क्यों इसे बैन किया गया है, इस सब पे बात करेंगे और सब जानकारी दूंगा। बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है। 13 मार्च को पता चलेगा किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि चुनावी चंदा जो आता है राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड के तहत ही आता है। तो सबसे पहले जानते हैं चुनावी बॉन्ड होता क्या है। दोस्तों 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का दोस्तों नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनियां खरीद सकती है बैंक से। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगी। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टियों को डोनेट कर सकता है, बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। तो दोस्तों इससे सीधा ये माना जाए कि ये और इसका पूरा मामला क्या है। इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी लेकिन सुनवाई 2019 में हुई और 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया था 13 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इसे योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ताओं ने इस पर इस योजना पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया है। इस पर विवाद क्यों है। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनावी अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विधेयक करने वालों ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे चुनाव में काला धन इस्तेमाल का जरिया बन जाएगा। दोस्तों मेन मुद्दा यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड से पता नहीं चलता है कि किस पार्टी को कौन से कंपनी या कौन से लोग या कहां से कितना चंदा दे रहा है। मेन मुद्दा ये है तो इसी के कारण से चुनावी बॉन्ड पर एक तरीके से रोक लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आने वाले समय में बीजेपी कांग्रेस टीएमसी तमाम जो दल हैं उनको कौन चंदा दे रहा है ये पता लगेगा। तो मेन मुद्दा ये था, ये मैंने बता दिया। अब क्या हुआ है ये जानते हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुराने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्कीम असंवैधानिक और बॉन्ड गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकारों का उल्लंघन है। इसे आप आरटीआई के तहत भी पार्टियों से नहीं ले सकते थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई की है। 13 मार्च को पता चलेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि सभी पार्टियां यह डिस्क्लोज करें कि किसको कहां से और कितना चंदा आया है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन 13 मार्च को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को की जानकारी पब्लिश करने के लिए कहा है। इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर 13 मार्च तक सभी पार्टी अपना अपना चंदा दर्शाए किसको कितना और कहां से यह मिला है। यह फैसला 5 जजों की सर्वसम्मति से सुनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कहां से कितना चंदा और कैसे मिल रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, जिसे मतदान के लिए यह सही चयन होता है। 2018 में अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा भाजपा को मिला है। 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6337 करोड़ रुपए की चुनावी फंडिंग हुई है। कांग्रेस को 1108 करोड़ रुपए की चुनावी फंडिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है और उनमें और विपक्षी पार्टियों में कितना गैप है। 6337 करोड़ बीजेपी को मिला है चंदा और 1108 करोड़ कांग्रेस को मिला है। तो यहीं से ये विवाद भी शुरू होता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों को कौन चंदा दे रहा है, किसके फायदे के लिए सरकार काम करती है। इसी तरीके का बहुत सारा आरोप भी लगता रहा है सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाकर्ता ने इसी सब पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस बॉन्ड को रोक लगाने की मांग की थी। तो दोस्तों अब तक आपको समझ आ गया होगा क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों
रोक लगाई है। तो दोस्तों इस तरीके के वीडियो के लिए, इस तरीके की जानकारी के लिए हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इस तरीके का वीडियो मैं इस चैनल पर रोज लेके आता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।